हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ फटाफट से बनने वाली आलू बीन्स की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जो हम बहुत कम मसालों में तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम आलू बीन्स की मसाले वाली सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बीन्स लिए थे, जिसको मैंने लंबा थोड़ा सा बड़ा काट लिया है। आप इसको बारीक भी रख सकते हो। चार आलू लिए थे, जिसको मैंने लंबा काट लिया है। हरी मिर्च ली है और कुछ बेसिक मसाले लिए हैं, जिनके हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलो तड़का लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन में हम 2 से 2.5 चम्मच तेल के डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, आलू डाल देंगे और आलू को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए। आलूओं को तब तक पकाना है जब तक इसके हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको पकने में। तो देखिए, आलू हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम बीन्स भी डाल देंगे। इनको भी आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पर इनको पकाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे और नमक को मिक्स कर इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब मीडियम आंच पर इसको ढककर पकाते हैं 3 से 4 मिनट तक। देखिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं। आलू काफी हद तक पक चुके हैं, बीन्स भी अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हो, वो भी खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसको बटर में बना सकते हो। आप बटर में गार्लिक का तड़का लगाकर आलू और बीन्स डालकर इसको हल्का नमक और काली मिर्च डालकर बनाओगे तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। हम इसको अब इसमें मसाले डालेंगे। बेसिक मसाले हैं, बहुत ही कम मसाले डालेंगे, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और कुटी ही लाल मिर्च। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा होता है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो बीन्स हैं, हम उनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा क्रंची सा होता है तो अच्छी लगती हैं खाने में। आलू भी काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो चुके हैं और पक भी चुके हैं। बीन्स को हम ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करेंगे, तो सब्जी हमारी 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगी। सब्जी हमारी बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो देखिए, जितनी सब्जी देखने में बढ़िया लग रही है, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।